हथियार लेकर घूम रहे ऑटो ड्राइवर को पूर्वी दिल्ली की कल्याणपुरी थाना पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी 29 वर्षीय सलमान उर्फ पीपा के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि कल्याणपुरी थाने के कांस्टेबल कन्हैया और महासिंह ऑपरेशन सुदर्शन के तहत नाइट पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि 14 ब्लॉक कल्याणपुरी में एक ऑटो ड्राइवर अवैध हथियार लेकर खड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ऑटो ड्राइवर की तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा और दो कारतूस बरामद हुए। फिलहाल पुलिस आरोपी सलमान से पूछताछ कर रही है कि हथियार लेकर वह किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।